हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर। आज अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड 102 फर्स्ट ईयर का चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या प्रतिलोमन व पंपिंग या पंपन। जनसंख्या प्रतिलोमन पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है वह पंपन को समझाइए। व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड एक्सप्लेन पंपिंग। जनसंख्या प्रतिलोमन क्या है? सामान्यतः किसी भी परमाणु के निकाय में या उसमें साम्यावस्था में लोअर एनर्जी स्टेट निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या, जैसे E1 ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट, उसमें परमाणु की संख्या N1 है, तथा उत्तेजित ऊर्जा स्तर E2 में परमाणु की संख्या N2 है। तो जनरली N1 यानी निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या उच्च ऊर्जा स्तर से अधिक होती है। ज़्यादातर परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में ही स्टे करते हैं, रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, जिसको चित्र 1 से दिखाया गया है, ए से दिखाया गया है। सामान्य अवस्था इसमें मूल ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या ज़्यादा है और उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या कम है। N2 उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या N1 से मूल ऊर्जा स्तर से कम है। अगर बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो परमाणु फोटोनों को अवशोषित कर या ऊर्जा पाकर मूल ऊर्जा स्तर से E1 से उच्च ऊर्जा स्तर E2 में पहुंच जाते हैं या उनको पहुंचा दिया जाता है ऊर्जा देकर, तो E2 ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या N2 का मान निम्न ऊर्जा स्तर E1 में स्थित परमाणु की तुलना में अधिक हो जाता है, यानी ये उल्टा हो जाता है। जनरली N1 ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा परमाणु होते हैं और यहाँ स्थिति उल्टी है, विपरीत है। लोअर एनर्जी स्टेट में परमाणु की संख्या कम और उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या अधिक हो जाती है। इसी अवस्था को जनसंख्या प्रतिलोमन कहते हैं। इसमें N1 मूल ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या N2 से कम है। जब N1 से अधिक हो जाए तो N2 ग्रेटर देन N1, इस स्थिति को जनसंख्या प्रतिलोमन या जनसंख्या व्युत्क्रमण कहते हैं। जब निकाय उसमें साम्यावस्था में होता है तो अलग अलग ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या e^-e/kT के समानुपाती होती है, जहां k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T निकाय का परम ताप है, E उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। अतः N2 परमाणु की संख्या E2 ऊर्जा स्तर में है तथा E1 ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या N1 है। तो N2/N1 = e^(चर)-e^(E^2)-kT e^(-e^1)-kT। ऊपर जाकर के घात प्लस हो जाएगी, माइनस कॉमन लेंगे तो e^(e^2)-e^1)-kT e^(e^1)-hν। दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतराल e^2)-e^1 आपतित फोटोनों की ऊर्जा hν के बराबर होता है। अतः n^(n^1)-e^(-hν/kT समीकरण नंबर 1। लेकिन जनसंख्या प्रतिलोमन या समष्टि व्युत्क्रमण, जनसंख्या प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण की अवस्था में, इन्वर्जन की अवस्था में N2 का जो मान है वो N1 से बड़ा होता है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक होती है, N2> N1, और hν e^2 - e^1 भी पॉजिटिव होता है।
अतः लोग लेने पर, समीकरण एक का लोग लेने पर लोग एन टू अपॉन एन वन बराबर माइनस एच एन अपॉन के टी, टी को ऊपर ले गए और लोग एन टू अपॉन एन वन को नीचे ले गए, तो टी बराबर माइनस एच एन अपॉन के लोग एन टू अपॉन एन वन, समीकरण नंबर दो। तो जनसंख्या प्रतिलोमन की अवस्था में समीकरण नंबर दो से हम देखें तो अंश एच एन का मान भी पॉजिटिव है व हर लोग एन टू अपॉन एन वन तथा गुणा में के है उसका मान भी धनात्मक है, अतः निकाय का परम ताप टी ऋणात्मक होता है। ये दूसरी स्थिति है कि जनसंख्या प्रतिलोमन में उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या मूल ऊर्जा स्तर से अधिक होती है और दूसरा निकाय का परम ताप ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम सक्रिय माध्यम पर आते हैं। एक्टिव मीडियम क्या होता है? एक्टिव मीडियम में सक्रिय माध्यम वह माध्यम जिसे बाहर से ऊर्जा देने पर जनसंख्या प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त की जा सकती है तथा उद्दीपित या प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन उत्पन्न किया जा सकता है, वही माध्यम सक्रिय माध्यम कहलाता है। अब पंपन या इंग्लिश में कहें पंपिंग क्या है? तो पंपिंग या पंपन वह प्रक्रिया प्रोसेस है या विधि है जिससे बाहर से ऊर्जा प्रदान कर जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जाता है, अर्थात बाहर से ऊर्जा देकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु को पहुंचाया जाता है जिससे N2 उच्च ऊर्जा स्तर परमाणु की संख्या N1 निम्न ऊर्जा स्तर परमाणु संख्या से अधिक हो जाए, जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त हो जाए। इस विधि को, इस प्रक्रिया को पंपन कहते हैं। ऊर्जा देने की विधि को ही पंपन कहते हैं। पंपन के कई प्रकार से संभव है। पंपन की कई विधियां हैं, इनकी कुछ विधियां इस प्रकार हैं। पहली है प्रकाशीय पंपन, ऑप्टिकल पंपिंग। इसमें बाहर से प्रकाश आपतित कर, रूबी लेजर के अंदर ये काम में ली जाती है, बाहर से प्रकाश आपतित कर, फोटोन आपतित कर जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जाता है। दूसरा है विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बाहर से गैस के अंदर विद्युत प्रवाहित कर विद्युत विसर्जन कराया जाता है जिससे जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त होता है, हीलियम नियॉन गैस लेजर। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट और चौथा है अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु संघट। इसी के साथ है एक मेटा स्टेबल स्टेट और होता है, उसका क्या अर्थ है? मित स्थायी ऊर्जा स्तर या मेटा स्टेबल स्टेट से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः उत्तेजित अवस्था में परमाणु 10 की घात माइनस 8 सेकंड ठहरता है तथा इस समय के बाद परमाणु स्वतः ही मूल ऊर्जा स्तर में लौट आता है और फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जबकि मेटा स्टेबल स्टेट या मित स्थायी ऊर्जा स्तर वे ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें परमाणु ज्यादा देर उत्तेजित ऊर्जा स्तर की तुलना में 10 की घात माइनस 3 सेकंड से 10 की घात माइनस 6 सेकंड तक ठहरता है, यानी ज्यादा देर तक ठहरता है, अर्थात इसमें परमाणु के रुकने का समय सामान्य ऊर्जा स्तरों की तुलना में 10 की घात 5 गुणा तक अधिक होता है, मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इन ऊर्जा स्तर में परमाणु के ज्यादा देर तक ठहरने के कारण ही जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जा सकता है। मित स्थायी ऊर्जा स्तर किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाकर प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।